हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। स्टूडेंट्स, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का हमारा यह तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कैसे ट्रिक से हम लोग उनकी स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं यह देखा है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को वीबीटी के बेसिस पर प्रिडिक्ट करने की क्या ट्रिक है। तो ट्रिक हमारी वही है जो हमने पिछले वीडियो में बात की है। या तो हमें कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिज्म पता होना चाहिए या अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। यदि यह नहीं पता है तो हम यह सेकंड ट्रिक यूज़ करेंगे, जिसमें हम लिगेंड की नेचर के बेसिस पे यह प्रिडिक्ट करेंगे कि वह स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल। तो ये जो लिगेंड्स हैं CO, CN- NH3 और ऑक्सलेट, इनको VBT में स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया है, जो कि पेयरिंग कराने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते हैं मेटल में। और इसी तरह से ये जो लिगेंड है हेलोजन और H2O, इन्हें वीक लिगेंड माना गया है, जो कि इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करते कि पेयरिंग हो सके। अब VBT में हम लोग यह सीख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने का किसी भी मेटल का प्रिफरेंस का ऑर्डर क्या है। वो ऑर्डर आपके सामने है। कोई भी मेटल सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। यदि उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। यदि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहा है तो फिर वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जाएगा, और यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन रहा है तब वह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यह BBT के अकॉर्डिंग किसी भी मेटल का कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रिफरेंस का ऑर्डर है। इसके साथ ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन से मेटल आयन बनाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से लेकर D7 तक होता है, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सारी बातें हम लोग एच पर VBT कर रहे हैं। और स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल ये कौन से मेटल आयन बनाते हैं, D8, D9 और D10। ये जो मेटल आयन्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है D8, D9, D10, ये स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अब हम लोग स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग D8 में कौन कौन से आयन हो सकते हैं जो जनरली डिस्कस किए जाते हैं या क्वेश्चंस में आते हैं। D8 के लिए एक तो निकिल सेकंड के अलावा D8 में यूज होता है PD2, PT और AU। ये वो लिगेंड हैं जो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनका होता है, और ये जनरली ये लिगेंड ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं या टेट्राहेड्रल बनाते हैं या स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर पे या इनके कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिज्म पे कि वो डाइमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या उसका मैग्नेटिज्म क्या है। D9 में जो जनरली जो मेटल आयंस कंसिडर होते हैं वो होते हैं CU सेकंड और AG सेकंड। D9 के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनमें दो आयंस आपको मिलेंगे, और D10 में Zn2+, Zn सेकंड। तो इस तरह से ये वो आयंस हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो एज पर VBT ये किस तरह से बनाते हैं ये हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं D8। D8 में निकिल लेते हैं। निकिल के दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक हमने लिया निकिल का क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स है जिसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, और वैसे ही हमने एक और पैरेलली हम लोग लेते हैं निकिल का कॉम्प्लेक्स। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आप देखिए निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है Ni2+, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 है। D8 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये हमने बनाए 3D ऑर्बिटल्स, और ये 4s और ये 4p। 4D हम अभी नहीं बना रहे हैं, वो वेकेंट है। तो ये 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम किस तरह से दिखा सकते हैं, सबसे पहले एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बाद में 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे। तो इस तरह से हमें हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर लिगेंड हम लोग देखेंगे, लिगेंड कौन सा है, Cl क्लोरीन लिगेंड। तो क्लोरीन लिगेंड एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने से क्या होगा, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, उससे क्या होगा कि जो 4d ऑर्बिटल है वो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में यूज होंगे। और किस तरह से जो यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, तो यहां पर डी ऑर्बिटल वैकेंट हमें नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कौन सा होगा। यहां पर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 4 ही वैलेंसी है, 4 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने हैं, तो ये एक s और 3p ऑर्बिटल यूज होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये d3d ऑर्बिटल हम ऐसे के ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमें बनाने हैं 3 तो पेयर और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वैकेंट है, और इस तरह से यह 4d ऑर्बिटल है जो खाली है, जिनको हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं ले रहे हैं। अब जो Cl लिगेंड है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर निकिल सेंटर में होगा और ये देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गई है, और इस पे ओवरऑल चार्ज क्या है इस स्ट्रक्चर पर 2-। तो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है। अब आप यहां देख सकते हैं वीक लिगेंड होने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वेयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हाई स्पिन लो स्पिन वाला कॉन्सेप्ट यूज यहां पर नहीं होता है, वो केवल कहां यूज हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल में। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड थे ये केवल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड थे, टेट्राहेड्रल और स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में इन टर्म्स का कोई यूज नहीं है। तो यहां पर ये हमने देखा NiCl4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल आई, क्योंकि यहां पर वीक लिगेंड था और ये पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह से हम अगला एग्जांपल लेते हैं Ni का CN लिगेंड के साथ में, यहां पर भी Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, 3d8 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे हम किस तरह से दिखा सकते हैं, वापस वही 8 जो 3d8 को इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका है, 3 पेयर्ड हो जाएंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यह है हमारे पास 4s वैकेंट है, 4p भी हमारे पास वैकेंट है, और 4d भी हमारे पास वैकेंट है। अब यहां पर हम देखते हैं ये जो लिगेंड है CN लिगेंड को VBT में स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड से मतलब VBT यह कहती है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन की हो जाती है, सफिशियंट एनर्जी रिलीज होती है जितनी पेयरिंग में जरूरत होती है। तो इसलिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी, और अब यहां पर 3D ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से हो जाएगी, 4 तो यहां पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और एक ये खाली हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, अब एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया, 4s पहले से खाली है, 4p भी पहले से खाली है। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो ये होगा, देखिए sdsp2, एक डी ऑर्बिटल यूज हुआ, एक 4s ऑर्बिटल यूज हुआ, ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s है, ये 2 4p है, तो ds और p2 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन यूज हुआ है। अब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होती है स्क्वेयर प्लेनर, तो स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर हम इसकी बना सकते हैं, निकिल की हम स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना सकते हैं, CN, CN, CN और CN, और इस पे ओवरऑल चार्ज है 2-। अब ये कॉम्प्लेक्स देखिए आप, ये
डायमैग्नेटिक है। तो इस तरह से जो डीएट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेटल आयन्स हैं, यदि वहां पर वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड से मतलब चारों हेलोजन और H2O, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पेयरिंग नहीं कराएंगे और वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। यदि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे CN है, CO है, तो ये सारे जो लिगेंड हैं, ये सारे लिगेंड होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि पेयरिंग में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ज़्यादा रिलीज करते हैं, इसलिए पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग होने से क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन से स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है और कॉम्प्लेक्स होता है डायमैग्नेटिक। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब एक स्ट्रक्चर और लेते हैं, वो भी काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है निकिल का, वो है NiCO4। यहां पर निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जीरो, तो निकिल का को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D8 4S2। तो अब इस तरह से अब इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर कैसे होगी वो देखते हैं। सबसे पहले 3D8 जो इसका निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम बनाते हैं। ये 3D8 है, इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने हैं, 2 2 4 2 6, एक इसमें अनपेड, एक इसमें अनपेड। ये 4s में भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 जो p है वो वैकेंट है, और 4d हम अभी नहीं बना रहे हैं, ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसा कि VBT के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, CO को स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना गया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये जब Ni के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जिससे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाकर पेयरिंग कर सकते हैं उस रिलीज्ड एनर्जी से। तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की यहां पेयरिंग हो जाएगी। तो यहां पेयरिंग हो जाने से देखिए क्या हुआ, स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर हो गया जो 3D ऑर्बिटल्स हैं वो हो गए फुलफिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन इनमें से यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये भी पेयर बन गया और ये भी पेयर बन गया। 4s हो गया वैकेंट, 4p पहले से वैकेंट है। तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर कौन सी होती है आप जानते हैं, टेट्राहेड्रल, और ये है डाइमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपने देखा निकिल के हमने तीन कॉम्प्लेक्स डिस्कस किए जिनमें अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली लिगेंड की नेचर पे। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि निकिल के जो कॉम्प्लेक्स हैं तीनों, निकिल Cl4 2-, निकिल टेट्राकार्बोनिल, और एक है निकिल का साइनाइड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्सेस में ये डायमैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, और ये भी डायमैग्नेटिक है, ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, और ये स्क्वायर प्लेनर है। तो बेसिकली इनके मैग्नेटिज्म को ध्यान में रखते हुए VBT में इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो VBT हमेशा मैग्नेटिज्म का डेटा यदि हमें पता है तो हम उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम लोग ले रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हैं। D9 हम लोग लेते हैं, D9 में हम लोग Cu2 का एग्जांपल लेते हैं, Cu2 में हम लोग एग्जांपल लेते हैं साइनाइड के साथ इसका कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अब जो इसमें D9 इसकी स्ट्रक्चर है, तो D9 में 3D किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं ये आप लोग जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और ये एक बच गया, 4s खाली है और 4p भी खाली है, और ये हो गए 4d। 4d हम लोग यहाँ पर यूज नहीं लेने वाले हैं, 4p, 4s और ये 3D9। तो अब यहां पर आप देखिए लिगेंड है CN, CN लिगेंड होने की वजह से क्या होगा,
अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा? वीबीटी ने किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, सी एन लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से, सी एन लिगेंड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है 4p में। ये देखिए, ये चला गया 4p में, और 4p में जाने के बाद सिचुएशन कैसी हो जाएगी? ये हो गए हमारे 3d, 3d में चार पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट हो गया, ये 4s है, और ये 4p में अब एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया अकॉर्डिंग टू बीबीटी। तो अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक तो डी ऑर्बिटल यूज होगा, दो एक एक 4s और दो पी ऑर्बिटल, तो ये हो गया DSP2 हाइब्रिडाइजेशन। DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो स्ट्रक्चर आप जान गए, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होगी, और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से वीबीटी ने अपने हिसाब से जैसे भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिज्म के डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दी है। यहां पर वीबीटी ने जो लॉजिक यूज किया है वो ये यूज किया है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से वीबीटी में D9 के जो मेटल आयंस हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, उनमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। कंक्लूजन हमारा वही है, D8, D9 और D10 में कोई भी मेटल आयन हो, चाहे यदि वीक लिगेंड दिया हुआ है तो वो क्या बनाते हैं? हाँ, वो बनाते हैं टेट्राहेड्रल, और यदि स्ट्रोंग लिगेंड है तो वो बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर। और इसका एक्सेप्शन है निकिल का कार्बोनिल, जो कि स्ट्रोंग लिगेंड होने के बाद भी क्या है? टेट्राहेड्रल। अब यहीं पर हम लोग D10 भी देख लेते हैं। D10 के जो स्ट्रक्चर हैं, D10 में आप जानते हैं, D10 में केवल एक ही मेटल आयन है, वो है Zn2+। अब Zn2+ में आप जानते हैं Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है 3d10। 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी 3d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो इस केस में 4s और 4p ही और 4d ही यूज हो सकते हैं। यदि चार कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और sp3 होने से हमेशा स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से यदि जिंक का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो हमेशा ही टेट्राहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जिंक का। अब D9 में हम लोग एक एक्सेप्शन और देख लेते हैं। D9 की स्ट्रक्चर एक और देखते हैं, वो है CuCl4। यहां पर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस D9 में, अब आप अभी जो हमने D9 में देखा था उसमें हमने स्ट्रोंग लिगेंड लिया था, स्ट्रोंग लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा 4p में यहां पर ट्रांसफर हो गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया था DSP2। अब यहाँ ये जो D9 है इसमें ये है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन का जो 3d इलेक्ट्रॉन था उसका 4p में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा? ये देखिए, हम ये बनाते हैं, ये वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 4s है और ये 4p है, ये 4d आगे हम नहीं बना रहे हैं, ये 3d9 है। तो अब यहां पर ये जो वीक लिगेंड है Cl, ये इसका ट्रांसफर यहां पर इस केस में नहीं कर पाता है, जो कि Cn यहां पर था पिछले एग्जाम्पल में तो वो कर पा रहा था। तो इसकी वजह से क्या होगा? अब हाइब्रिडाइजेशन केवल sp3 होगा, और sp3 होने से स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। तो आपने देखा, यदि Cu के साथ Cn लिगेंड था तो ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर था, लेकिन यदि Cl लिगेंड है तो ये है टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिज्म उसका क्या है, या तो मैग्नेटिज्म पता हो या हमें लिगेंड की नेचर पता हो। और जो लिगेंड की नेचर हमने यहाँ डिस्कस की है वो आपके हर क्वेश्चन में एकदम सही बैठती है। आप इन ट्रिक्स को यूज करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा या कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा। थैंक यू वेरी मच।